हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, एक सुजुकी मैक्स 100 मैंने देखी थी, तो मैं सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो वीडियो होगी बहुत ही इजी तरीके से बनाई गई है, ये सुजुकी मैक्स 100, और कोई भी ज़्यादा तड़कते फड़कते मॉडिफिकेशन नहीं किए गए हैं, सिंपल रखी गई है। जिस तरह कैफे रेसर बननी चाहिए उसी तरह, कोई भी आपको ज़्यादा 40,000-30,000 का खर्चा नहीं करना, मिनिमम से मिनिमम आपके 5,000 में पूरा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लाइन टू लाइन बताता हूँ कि क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन और चेंजेस किए गए हैं। जो सबसे बड़ा और मैसिव मॉडिफिकेशन होगा वो हमारा इसमें है स्विंग आर्म का, जिसके कारण आपको जो गाड़ी का लुक है वो बहुत ही लंबा दिख रहा है और गाड़ी की जो पूरी चेसी है वो बहुत लंबी हो गई है। इन्होंने स्विंग आर्म किसका यूज़ किया है ये तो मुझे नहीं पता, पर आप किस तरह के स्विंग आर्म यूज़ कर सकते हो ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ। आप बुलेट के स्विंग आर्म यूज़ कर सकते हो, या फिर FZ के स्विंग आर्म यूज़ कर सकते हो, या जो रॉयल इनफील्ड का स्टैंडर्ड मॉडल आता है उसका स्विंग आर्म 101% आप यूज़ कर सकते हो, और वही जो इकलौता स्विंग आर्म है जो आपको बहुत ही लंबा एक्सटेंशन दे पाएगा स्विंग आर्म का, और आपकी गाड़ी के लुक को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हेंस करेगा। स्विंग आर्म के बाद हमारा साइड पैनल का मॉडिफिकेशन आता है। आप जैसे देख सकते हो जो भी पैनल्स होते हैं उसे पूरे एम्प्टी स्पेस कर दिया है, मतलब खाली कर दिया है, और इन्होंने जो एयर फिल्टर के लिए बॉक्स रहता है सिर्फ उसे छोड़ा है, क्योंकि वो उसे कवर नहीं कर सकते, और अगर कवर करेंगे तो फिर वो कैफे रेसर बनेगी नहीं। कैफे रेसर का कल्चर होता है, मींस कैफे रेसर कैसे बनाते हैं अपन, कि अगर आपको कोई पार्ट किसी बाइक में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो उसे हटा दें, सिर्फ अपनी ज़रूरत का काम रखें। तो आपको सिर्फ सीट की ज़रूरत है, टायर्स और इंजन, दैट्स इट। आप मीटर लगाओ ना लगाओ, हेडलाइट लगाओ ना लगाओ, सब चलता है। यही कल्चर को फॉलो करते हुए इन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया है। और जो टैंक है वो मेरे हिसाब से टैंक जो है नॉर्मल सुजुकी मैक्स 100 का जो टैंक आता है वही यूज़ है, या फिर आप यमहा RX 100 का टैंक इसमें भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों का टैंक रेक्टेंगल शेप में होता है और कैफे रेसर के लिए बेस्ट होता है। अब आपने देख लिया कि इन्होंने जो साइलेंसर है वो मेगाफोन यूज़ किया है। मेगाफोन साइलेंसर आपको 1300 रुपये में कहीं से ही मिल जाएगा। लिंक चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आप जो ये सीट का काउल देख रहे हो ये भी इन्होंने मेटल से बनाया है, हैंडक्राफ्टेड है, कस्टमाइज्ड है, तो आप इसका आइडिया ले सकते हो। आप किसी भी शॉप में जाके दिखाओगे कि मुझे इस तरह बनाना है तो वो बहुत ही आसानी से बना के आपको दे देगा। और जो सीट का आपको मॉडिफिकेशन पड़ेगा वो आपको कैफरेसर जो लूप आता है उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने काउल लगा दिया है जिसके कारण आपको वो लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपको कवर कर देगा उसका पोर्शन, और आपको कभी स्टॉक में वापस जाना है तो बहुत ही आसान तरीके से उसमें वापस जा सकते हो। इस तरीके के काउल लगाने से आपको एक ये फ़ायदा होगा। और इसमें जो शॉकअप्स हैं वो स्टॉक ही रखे गए हैं, जो सुजुकी मैक्स 100 में शॉकअप्स आते हैं वही रखे गए हैं। उसके बाद हेडलाइट चेंज की गई है, हेडलाइट यूज़ की गई है, उसकी मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये मैंने आफ्टर मार्केट देखी थी, ये आपको किसी भी शॉप में 350 रुपये में मिल जाएगी। बल्ब आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये डोम और जो सपोर्टर होता है उसकी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 350, बल्ब आपको अलग से लेना पड़ेगा। और इसमें जो पीछे के इंडिकेटर्स हैं वो बुलेट के यूज़ किए गए हैं, और बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं इसको। और जो इन्होंने टैंक यूज़ किया है उसके कारण आप देख सकते हो गाड़ी का जो लुक है, और पीछे का जो काउल है उसका यूज़ किया है इन्होंने, उसके कारण पूरी गाड़ी का जो लुक वो कितना प्यारा आ रहा है। और जो हैंडल बार यूज़ किया गया है, हैंडल बार भी कस्टमाइज है, दो हैंडल बार को शायद तक इन्होंने मिलाया है थोड़ा सा एंगल चेंज करने के लिए। और ऑफ़ कोर्स इन्होंने मीटर वर्किंग नहीं लगाया है, आप वर्किंग लगाना, क्योंकि वर्किंग रहता है तो गाड़ी अलग लगती है लोगों को देखने में भी, और आपको भी चलाने में मज़ा आता है। ऑल दो गाड़ी बहुत ही सिंपल तरीके से मॉडिफाई की गई है, मैं इसका एग्जॉस्ट नोट भी आपको वीडियो के एंड में सुना दूंगा। आप अभी पूरी गाड़ी का ओवरव्यू देख लो, गाड़ी में बहुत कम खर्चा किया गया है पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है जितना भी किया गया है। और गाड़ी का ओवरऑल लुक देखो आप, कि बहुत ही सिंपल तरीके से मॉडिफाई किया गया है। सामने भी बुलेट के दोनों इंडिकेटर्स लगाए गए हैं और पीछे भी इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। टायर्स आप बदलवा सकते हो, टायर जो हैं ऑफ रोड लगवाओ आप, या फिर सिंपल जो आते हैं मैकलेन के वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ और वीडियो को मैं करता हूँ एंड।
हूँ।